सर, आइए। नमस्कार सर, सक्षम सर। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी मैम, आइए सर। जी जी, ये आप सीट को अपने एडजस्ट करेंगे जी। इलेक्ट्रॉनिक है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक है सर। ठीक है, आपने मैं पोजीशन सेट कर लिया सर, फर्स्ट टाइप का। इसमें वेलकमिंग फंक्शन भी है? हाँ, ऑफ कोर्स वेलकमिंग। ये अपने आप पीछे हो जाती है? अभी अपने आप पीछे हो जाती है, जब आप गाड़ी को बंद करके आप उतरोगे अपने आप पीछे जाएगी सीट। ये मेमोरी फंक्शन भी दिया हुआ है कि आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो 1, 2, 3। जी ये वेंटिलेशन आप जी प्लीज वेंटिलेशन जी जी कूल ग्लव बॉक्स है। इसके अंदर भी दो चार्जिंग पोर्ट्स हैं। हाँ, ये ग्लव बॉक्स है सर, इसमें चार्जिंग पॉइंट्स भी है और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी है। ऑफ कोर्स सर, वायरलेस चार्जिंग भी है इसमें। 6 मोड है कार को ड्राइव करने के लिए जी। 12 इंच का 10 में सिस्टम है जिसमें 10 GB की स्पीकर है, एक बगैर वूफर के साथ। अच्छा जी, अभी हम टच ड्राइव को फील करेंगे। इधर भी दोनों चार्जिंग पॉइंट है। 45 वाट का है। इसमें ऑटो होल्ड भी दिया हुआ जी सर, ये हमारे एडवेंचर मॉडल से आता है। इसमें ये जो लाइट आ रही है किसकी आ रही है? कौन सी लाइट? ये येलो कलर की ड्रिप ऐसे आ रही है, वो इंजन चक लाइट है सर। अच्छा, और ये सामने जो रेड वाली आ रही है वो हमारी हैंड ब्रेक की लाइट है सर। जी, ब्रेक पे पैर रखिए जी, दबा दिया इसको नीचे किया। हाँ जी, अब हैंड ब्रेक से बाहर है गाड़ी जी। अब आप करेंगे, आपको रिवर्स चलना है या आगे चलना है? आगे जाएंगे तो हम इसको प्रेस करके डी पे करेंगे जी, फिर ड्राइव मोड हो गया। यहाँ पे भी बटन है। ओके, ये डीजल है? ये डीजल आता है जी। नहीं निकल पाएगी, चौड़ी हो गई है पिछली बार से। थोड़ा मतलब पास पास बहुत है ना, पास पास करें इसलिए। आपने पहले लास्ट ट्रिम वाली भी हेलो ड्राइव करी है क्या? हाँ जी मैम, करिए। इसमें कितने एयरबैग्स हैं? इसमें 7 एयरबैग्स हैं, एक नी एयरबैग आता है जो एक्स्ट्रा इसमें मतलब फेसलिफ्ट मैट व पैरों के पास फॉग घुटने के पास। अच्छा, तो अब 7 एयरबैग्स आते हैं। और सीट में भी एयरबैग है? नहीं, सीट में नहीं है सर, साइड्स में कटर है। इसमें 3D व्यू भी है? ऑफ कोर्स सर, 3D व्यू भी है। चलिए जी, क्या है इसके पावर और टॉर्क फिगर्स? सर, गाड़ी का जो मैं आपको बेसिक से ही बता देती हूँ सब कुछ जी। गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, डी8 प्लेटफॉर्म है सर, रेंज रोवर का। जी जी, ठीक है। हाँ, उसके अलावा गाड़ी का जो टॉर्क मतलब पावर है 170 PS पावर है। ओके, 350 न्यूटन टॉर्क आपका जनरेट करती है गाड़ी, ठीक है जी। इसमें एक्चुअली मोड्स दिए हुए हैं, जैसे स्पोर्ट्स मोड हो गया जिसमें आपका पिकअप बढ़ जाएगा, माइलेज कम मिलेगा। इकोनॉमी मोड में आपका थोड़ा सा पिकअप लो होगा, माइलेज बेटर मिलेगा। सिटी में सर नॉर्मल होगा। और क्या एवरेज क्लेम करती है? 70.6 कंपनी क्लेम करती है, एज ऑन नाउ कस्टमर फीडबैक इधर 1500 आराम से आ जाता है जो कस्टमर फीडबैक है जनरल। जी, कितना बड़ा टैंक है मैम इसका? सर 50 लीटर का टैंक है। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हर मॉडल में है या सिर्फ टॉप एंड में है? टॉप में थोड़ा डिजिटल है, बाकी सब मैनुअल है। और इसमें एयर फिल्टर भी है? हाँ, एयर प्यूरिफायर सर। एयर प्यूरिफायर जी, जी। भी है। तो उसका फिल्टर चेंज होता होगा? हाँ, वो हर सर्वे पे होगा। बहुत सर्विस होता है सर, अब डाटा की सर्विस प्राइस बहुत बेटर हो गई है, उसमें हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अगर कुछ भी होता है तो। और क्या है मैम इसकी ऑन रोड प्राइस कार की? सर, ऑन रोड प्राइस डिपेंड करता है कौन सा मॉडल लेना चाह रही हूँ। हाँ जी, टॉप एंड मैम कितने का पड़ेगा? टॉप एंड मॉडल सर पड़ेगा अप्रोक्स आपको 30 लाख का। जी, और विच कलर सर, कौन सा कलर देख रहे हैं? वो मैम मेरे को एक बार ब्रोशर वगैरह सेंड करेंगे तो मैं बताता हूँ। ब्लैक, ब्लैक देखता हूँ, वाइट या ब्लैक कौन सा। इसमें फ्रंट डिस्क और पीछे वाले भी डिस्क है इस गाड़ी में? रेयर डिस्क है, ऑल डिस्क ब्रेक्स हैं। और इसमें ADAS वगैरह भी है? हाँ, ADAS भी है सर, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग भी है। ये टॉप एंड वेरिएंट है सर, हायर वेरिएंट। टॉप में तो सारी फीचर्स हैं।
12 inch की स्क्रीन, 6 एयर पैक, 6 मोड, वेंटिलेशन, पैनोरामिक सनरूफ। और क्या गारंटी वारंटी रहेगी इस पे? 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी है। अच्छा, और उसे एक्सटेंड नहीं करा पाएंगे? सर बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी आपको 25,000। 3+2 5 इयर्स की वारंटी, अनलिमिटेड किलोमीटर हो जाएगा जी स्पोर्ट्स में। अमाउंट बैलेंसिंग कैसे लग रही है आपकी, स्टीयरिंग कैसा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा है ये, पहले से मुझे पसंद थी ये प्लेटफॉर्म ना, वो है ना रेंज रोवर का, हाँ तो उस वजह से काफ़ी स्टेबल रहती है ये गाड़ी, उसके सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। हाँ। और इसमें ये एप्पल कार प्ले वायरलेस है? हाँ, वायरलेस है सर। अभी हम साउंड की क्वालिटी भी आप सुनना चाहो तो सुन सकते हैं जी, साउंड डेमो का ऑप्शन दिया है। इसके अंदर वूफर वगैरह होंगे ना जी, अच्छी है क्वालिटी, बट बहुत तेज पे फटते हैं। अचानक होने वाला, धीरे धीरे करोगे तो नहीं फटेगी। ये होता है इसका साउंड है, फोन का साउंड से काफी बेटर है। हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है ना इसमें? किसकी? हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है ना एक, जैसे मारुति की गाड़ियों में आजकल। क्या? हेड्स अप डिस्प्ले मैम, यहाँ पे ना स्क्रीन मतलब ऐसा दिखता है, प्रोजेक्शन आती है यहाँ पे। नहीं, 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 नहीं। जी, ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर भी है। कौन सा ट्रांसमिशन है मैम इसमें? नहीं कितना टॉर्क कन्वर्टर होगा ना इसमें? या टॉर्क कन्वर्टर ये जर्क नहीं लगता आपको बिल्कुल जी? हाँ जी, उसकी पूछ रहे हैं गियर्स कितने हैं? मैं ए सी तो बहुत ठंडा कर रहा है, ये डुअल जोन क्लाइमेट है? डुअल जोन क्लाइमेट है सर। ओके, अच्छा ये टच है, इलेक्ट्रिक आपका बूट भी बन जाएगा यहीं से। अच्छा, ऐसा बूट कर सकते हैं। क्या अवेलेबिलिटी रहेगी मैम गाड़ी की? मैम 1-2 महीने के अंदर? ठीक है, 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है गाड़ी का ऑफिशियल जो है। सो कोशिश करेंगे आपको अरेंज करने गाड़ी 1 मंथ में। ये रियर व्हील ड्राइव है फ्रंट व्हील ड्राइव है? कौन सा? ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसमें 4x4 का ऑप्शन वगैरह नहीं आता? 4x4 के सारे कमांड तो लेती है जी, 4x4 का ऑप्शन नहीं है। कितना लीटर का फ्यूल टैंक है मैम इसका? 50। यहाँ पे भी आ जाते हैं ना डायरेक्शंस वगैरह जैसे डालने, लेफ्ट राइट का व्यू का मिल रहा है वो तो। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है इसका, 360 की क्वालिटी बहुत बेटर है। हाँ, बहुत कैमरे बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। मैम बूट स्पेस कितनी है? 425 कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे? सर कर देंगे डिस्काउंट, आप बताओ बुकिंग। कितना है इसका बुकिंग अमाउंट मैम? सर 21,000 रुपये। और वो रिफंडेबल है? फुली रिफंडेबल है, चाहो तो 11,000 भी दे सकते हैं। ये पैनोरामिक सनरूफ है इसमें जी, ये खुलती है या फिर वो ग्लास ही है? सब खुलती है, खुलती है भी है। गाड़ी बड़ी है, बड़ी है मतलब
और ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं इसमें, टॉप में सब सारी फीचर्स होते हैं। कितना बड़ा है मैम इसका रिम साइज व्हील का? सर अगर आप ब्लैक में जाएंगे तो 19 इंच के ऐसे 18 है सर। अच्छा, सिर्फ ब्लैक में एक साइज बड़ा दे रहे हैं। और ब्लैक में कुछ अलग भी है कि सिर्फ कलर ही ब्लैक है? कलर ब्लैक है सर, वो अदर्स कलर के कंपेयर में 50,000 रुपये महंगा आता है। अच्छा, और इसमें इंटीरियर का हम कर सकते हैं सिलेक्ट? सर इंटीरियर आप पहले येलो में येलो आता है, बट ऐसा वाइट लेंगे ना जी, तो वाइट में ये वाइट होगा, ये वाला ऐसा वाइट होगा, अंदर का सारा जो होगा सब वाइट होगा, और ये सीट के कलर्स भी वाइट होंगे जी। और हम चूज नहीं कर सकते, बट अगर हमें ग्रीन में वाइट चाहिए तो ऐसा नहीं है? चूज नहीं कर सकते मैं इंटीरियर के कलर्स, अगर ग्रीन में हमें वाइट चाहिए? ग्रीन में वाइट ही आएगा, ये पर्सन जो वाइट आएगा, बाकी सीट आपकी ऐसी ब्लैक ही आएगी। अच्छा, ये फिर आपने लगवाया, ये एक्सेसरी का पार्ट है? ये एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट है, कार का है, ये वही से आता है, प्लांट से ही आता है। क्या कॉस्टिंग आती है हम इसकी सर्विसिंग की? सर 15,000 के अप्रॉक्स आती है सर्विस की जो कॉस्ट होती है, जो हम कराते हैं थर्ड सर्विस। पहली दो तो फ्री हो? पहली दो में फ्री लेबर वॉशिंग फ्री होता है सर। इधर से निकलने में दिक्कत होगी हर जगह, ये बड़ी गाड़ी है ना, बहुत आदत भी नहीं है ना मुझे इतनी बड़ी चलाने की। मैं होंडा सिटी चलाता हूँ मैम, ये चौड़ी है बहुत, पीछे से और चौड़ी है आगे से। प्रॉपर एसयूवी है ये, प्रॉपर एसयूवी का मतलब होता है फुल्ली कंफर्ट, कंफर्ट जोन में रहना। इसमें वो सब भी है जो वो ऑटोमेशन होती है, जब गाड़ी ऑन ऑफ होती है तो लाइट्स आती हैं इससे? हाँ जी मैम। अभी जैसे मुझे 3D कैमरा चाहिए, जैसे मैं ये दबा दिया, ये आगे का भी दिखा रहा है ना मुझे, देखिए निकल जाएगी, ये दिखा तो ऐसे ही रहा है। हाँ ये ऐसे बीच में लगा के चले गए अंकल। नहीं जगह है, वो गाड़ी नहीं लगाते तो निकल जाती। अच्छा है कैमरा इसका, बहुत क्लियर है। अभी सनलाइट भी कम है ना, मेरे को लगा था कि क्या पता ग्रेनी हो, बट नहीं, बहुत साफ कैमरा है इसका। पेड़ है, एक बार पीछे बैठ के देख सकते हैं? हाँ, इसका ये जो ग्लव बॉक्स है, ये भी ये पूपू करती रहेगी? बहुत पास में है ना,
इसको ऑफ करने का कोई फीचर नहीं है कि हम ये 2-2 PP ऑफ कर पाए? ये पूरी खुलेगी मैम? पीछे वाला तो नहीं खुलेगा जी। वो जो वारंटी गारंटी होती है 3 इयर्स की, उसमें अगर ये सब भी खराब होगा तो चेंज हो। इसमें वैनिटी मिरर नहीं है, इसमें ऐसे इसमें लाइटेड है। ओके, लाइटेड। और पीछे ये जो लगे हुए हैं ये sunset. साथ में आते हैं गाड़ी के? sunset, ये गाड़ी का ही पार्ट, एक्सेसरी तो नहीं है ना? हाँ मैम। टू जीरो फोर टू थ्री नाइन। और जो इसका वो है पीछे का टेल गेट, वो ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक कर लिया सर, उनसे सर एक लिंक गया होगा। हाँ जी, आया क्या ये? हाँ मैम आ गया। इसको फिर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे इसका। मैंने सबमिट तो कर दिया बट कुछ आया हो आ गया। ये आगे का ट्रंक कैसे खुलेगा? ये एक ही बात। हाँ जी हाँ जी, बोनेट। कितना बड़ा ये इंजन है? ये 2000। जी इसमें किक से खुलता है ये? बटन से? नहीं, ऐसे आते ना इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे हाथ में सामान होता है तो वो किक हो जाता है किक से। ये फुल साइज स्पेयर व्हील है इसमें? स्पेयर नीचे आता है सर। हाँ जी, बट फुल साइज है? नहीं, वो एक इंच कम होता है सर। अच्छा, ये कवर क्यों दिया हुआ है जब इसके नीचे ही नहीं है कुछ जगह? उन्हें देगा किसी को बाय चांस कुछ सीट वगैरह लगवाना, लगवा सकते हैं। किक से नहीं खुलता ना ये? हाँ वो ही मैं पूछ रहा हूँ कि नीचे ऐसे टांग मारने से वो कैसे करेंगे? वो चाबी होनी चाहिए और फुट से ऐसे करेंगे ओपन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप पीछे बैठे रहते जी मैम। रेयर एसी वेंट्स भी हैं इसमें जी। रीडिंग लाइट भी है। तो जो बेस मॉडल है, और कितने मॉडल्स हैं इसके बीच बीच में? सर बीच में 3 से 4 मॉडल हैं। अच्छा जी, मैं आपको ब्रोशर भेज। हाँ मुझे भेज दीजिएगा फिर ये। अच्छा बढ़िया है, फ़ोन पॉकेट इसमें पीछे भी चार्जर्स भी हैं जी। एक USB टाइप और एक USB टाइप सी। और ये भी है अरे वो अलाउ नहीं करते, पुलिस वाले तंग करते हैं। हाँ ये गाड़ी का पार्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बढ़िया है। नहीं सर मैं आपको बताऊँ, जो आगे लगा लेते हैं उनमें तो वह नहीं है।
आगे लगा हाँ, वो बैन है, जबकि हमारे टाटा मोटर में इन में नहीं आ रहे। हाँ इनमें नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे जी, आगे नहीं आएंगे। बैठिए बैठ के देखिए। नहीं बढ़िया है बस, टिक्की देख ली। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम, मुझे शेयर कर दीजिएगा ब्रोशर और प्राइस।